मैंने तो आपको इनवाइट किया है, इसका पता नहीं। वेलकम टू सुकून, कम ऑन। तो ये है हमारा सुकून। कहाँ है मेरी दूसरी सुकून? आ गई, सेकंड सुकून है सेहरा, बट आपने कुछ मिस कर दिया। दैट्स आवर स्टूडियो रूम, दिखा नहीं होगा, आपकी गलती नहीं, हमें भी नहीं दिखता कभी कभी। बट प्लस मेकअप रूम, प्लस वैनिटी रूम, प्लस होम थिएटर। होम थिएटर, यस, एवरीथिंग इज देयर। और कुछ बचा है? नहीं, सब कुछ इधर डाल दिया। आ जाओ, आ जाओ। ओके, सो दिस रूम इज साउंड प्रूफ। यहाँ पे हम पार्टी कर रहे हैं, कोई आवाज बाहर नहीं जाएगी। झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे हम दोनों आके लड़ाई करते हैं ताकि आवाज मम्मी को सुनाई ना दे, हमें गाली ना पड़े। ओके, सो ये हमारा प्रोजेक्टर है, ये नीचे आ जाती है शीट। इफ यू वांट टू सी, वी कैन शो यू। ओके, बट इस रूम में सिर्फ एक ही बात है, वी हैव लाइक 7-8 रिमोट्स। पता नहीं किस किस का क्या क्या रिमोट है, हम दोनों को अभी तक याद नहीं हुआ ऑनेस्टली। ये बहुत सारे रिमोट्स हैं, इतने रिमोट्स का क्या करेंगे। ओह, यू मिस्ड अनदर वन। ये एसी का है, तो ये बहुत रिमोट्स है, एक एक चीज़ के लिए ऑन करना पड़ता है भाई, 10 मिनट तो ऑन करने में लग जाते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको भी कंफ्यूजन होगा, हम आपको आराम से समझा देंगे। सो दिस इज़ आवर प्रोजेक्टर, इट कम्स डाउन, और यहाँ पे हमने पूरा हम मूवी देखना बाहर ही जाना बंद कर दिया। एक्चुअली हम सिर्फ यहीं करते हैं मूवी, तो जितने सालों की मूवीज थी सारा पैसा यहीं लगा दिया, बाहर नहीं वेस्ट करते हम। जो है यहीं देखो। सो दिस इज़ आवर हॉट पिंक काउच, प्लस इट हियर, दिस इज वो भी पूरा नीचे हो जाता है और हम सो भी सकते हैं यहाँ पे, एंड इट कम्स अप। मोस्टली आई एम नॉट लाइंग, हम अपने बेडरूम से ज़्यादा यहाँ पे वी लाइक टू स्लीप ओवर हियर। या दैट्स ट्रू, एंड यहाँ पे हमने थोड़ा फील्स दिए हैं कि हम यहीं पे अपना पॉपकॉर्न रखें, ग्लासेस रखें, बट इसमें बॉटल से ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो ओके, सब कुछ नहीं बताना होता। एंड दैट इज़ अ क्लोज़ेट, हमारा ब्लैक जेड ब्लैक क्लोज़ेट। अब आप सोचोगे चाहिए था, हाँ, अब आप सोचोगे हम वहाँ पे कैसे जाएंगे। गाइस, दिस इज वेरी इजी, हमने यहाँ पे कारपेट लगवाया ताकि आराम से हम इसको स्लाइड करके इधर जाएं, एंड देन वी कैन जस्ट गो थ्रू देयर। थोड़ा स्पेस की कमी थी, बट हमने बहुत अच्छी तरह से कोशिश करी। देखो, इसमें हमारी भी गलती नहीं है, मुंबई में स्पेस की कमी है। एक ही रूम में आपको सब कुछ बनाना पड़ता है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस वॉजंट इवन अ रूम, ये मम्मा ने खुद कंस्ट्रक्ट करा है। ये वॉल पूरी बंद थी यहाँ पे, एंड इट वॉज अ सर्वेंट क्वार्टर ओवर देयर, देयर वॉज अ पॉट लिटरली ओवर देयर, एंड वॉश बेसिन, वो सब हमने तोड़वा के अपना क्लोज़ेट बनाया। तो हमने कहा कि क्योंकि अभी भी यहाँ पे सच पता है तो पाइपलाइन है, तो स्मेल आती है। स्प्रे करते रहते, क्या करें, आपको आई स्मेल नहीं है ना, बात खत्म। ओके, फ्रेशनर अच्छा है। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज़ेट, यहाँ पे हमारे यू वांट टू सी, बिल्कुल भी बहुत मेस्ड अप है, बट ओके, अभी मैं ऐसे ही चली जाऊँगी। क्लोज़ेट, हमें बचपन से एक सपना था कि हमारा ब्लैक कलर का क्लोज़ेट हो, एंड हियर इट इज़। अभी भी मेस्ड अप है, बट ठीक है, मुझे कोई शर्म नहीं आपको दिखाने में, बिकॉज दिस इज़ द रियलिटी। हर चीज़ दो दो है, जो है दो है, बस यही है जो हमारा दिखता है। मैं लाइट पर बैठ गई, सॉरी, वो मैं रिमोट पर बैठ गई तो लाइट चेंज हो ही जा रही है। I said it's very complicated. Okay, so this is our shoe, heels and whatever collection. Revolve it na? हाँ जी, हाँ जी, फीचर दिखा रहे हैं। हाँ, ये बनाना ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, बनाना बहुत इम्पॉसिबल हो गया था, सब ने मना कर दिया था दैट ये हम रिवॉल्विंग बना नहीं सकते, बट हमने एक कारपेंटर ढूंढा और उनको मैंने बोला अंकल प्लीज़ बना दो, ये हमारा सपना है बचपन का, प्लीज़। तो उन्होंने मेहनत करके 15-20 दिन लगे ये बनाने में, बट इसमें पता है एक चीज, उन्होंने शेल्फ्स इतने सारे डाल दिए, इतने शूज़ नहीं हमारे पास, तो अभी खरीदने पड़ेंगे। हाँ, देखो ना, फिलअप स्लॉट्स खाली हैं, तो ये कुछ 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 हर चीज़ चार है, कोशिश जारी है। बस अब और कुछ मैं दिखाया ना, बाकी सब में पता नहीं क्या कर पड़ा। ओके ओके, आई वोंट गो देयर। ओके गाइस, कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ आवर हाउस, दिस इज अ वैनिटी रूम। ये हमारा थीम आपको समझ आ रहा होगा, दिस इज प्रॉपर विक्टोरिया सीक्रेट, एंड ये मम्मी का आइडिया था दिस वॉल पेपर, बिकॉज वी एंड तक वी वर वेरी डाइसी कि यहाँ पे करवाना क्या है, बट आर मॉम वॉज लाइक go with this print and we did it, kyunki mamma ka phone color phone cover is basically on this leke aaya tha, maine bola why can't we go with this, they go oh great idea mom, great idea, okay let's go with this. To ye hamara vanity room hai, and we finally we got dressed up here for the today very only. first time today for only. the very first time, and this is a washroom, humne socha ki thoda studio vibes honi chahiye, pinky vibes, theek hai koi baat nahi. Okay, so this is it for the studio room, now we're going to go to the alley again. Yeah. So this is our favorite section of the house. So basically before we moved into this house,
वी परचेज दिस एक्चुअली आई एंड मैम दिस कैबिनेट है ऐसे अवार्ड्स नहीं खरीदे इसने हाँ अवार्ड्स नहीं खरीदे ये परचेज के आईकिया से गए स्पेशली लिया मैंने और मम्मा ने और फिर ये कहीं पे फिट ही नहीं हुआ इसका कलर तो हमने इसको भी ऐसे ही लगा दिया और इसमें हमने हमने ट्रॉफीज डाल दी हैं सो दीज आर द ट्रॉफीज बाकी अंदर रखी हैं अभी जितनी हैं यहीं पे हैं और भी हैं जो आ नहीं पाई बट ठीक है सो आपकी फेवरेट वाली कौन सी है आई लाइक दिस वन व्हूप्स सॉरी दिस वन इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी हो सकती है यस इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी दिस इज वेरी प्रिटी ओके सो माइन इज दिस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी तो ये स्पीकर है पता है इसमें से बचता है इट्स वेरी यूनिक वेरी नाइस कहाँ से मम्मा ने उस दिन ऑन तो किया था पूरा ऑन होता ब्लूटूथ है अभी क्या चलाओगे बट ठीक है अरे हाँ ये रहा आपको गोल्डन बटन नहीं दिख रहा ना आपको सिल्वर दिखा गोल्डन छुपा दिया अरे वो मम्मी ने रखा क्या करे अब हम इसको भी निकालूंगे तो फिर सब गिर जाएगा ठीक है तो वो हमारा यूट्यूब गोल्डन बटन है एंड दिस इज सिल्वर सिल्वर इज अवेलेबल टू सी ओके सो दिस इज सिल्वर एंड गोल्डन इज देयर तो आई थिंक इसको हो गया एक साल हो गया नहीं उससे ज्यादा हो गया उससे ज्यादा हो गया ऑफ दिस इट्स बीन 2 इयर्स नाउ फॉर द गोल्डन बटन एंड 3 इयर्स फॉर द सिल्वर बटन या बचपन में किसको सबसे ज्यादा ट्रॉफीज मिलती थी एक्चुअली जो आता था घर में दो आता था हाँ अगर मुझे सेकंड पोजीशन मिल रही है तो उसको थर्ड मिल रही है थर्ड मुझे मिल रही है इसको फर्स्ट मिल रही है ऐसा चलता रहा मतलब हमेशा हमारा ऐसे ही था हमें स्केटिंग में स्विमिंग में पेंटिंग में आर्ट एंड क्राफ्ट में रनिंग में मैराथन्स में सब में अवार्ड्स मिले और हम दोनों हर फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ तो आए ही ऐसा हुआ नहीं कि एक को अवार्ड मिल गया दूसरी अपसेट हो गई आया ही है घर पे जो और अगर किसी को आया नहीं तो कॉन्सोलेशन सर्टिफिकेट होता है वो भी दोनों को मिला है ऐसी बात नहीं है सो वी गोना गो टू द आले नाउ एंड हमारा लिविंग एरिया पूरा पिंटरेस्ट कॉपीड है हमने कॉपी पेस्ट किया पूरा पिंटरेस्ट Okay, if you enter, guys, you see this massive alley, which is my best and favorite part. मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर में, especially the tiles. Yeah, the flooring. I love it. Black and white. It gives very rich and royalty vibes, जो कि मिल सकती हैं इस घर में आपको enter करके. Okay, तो हमने सोचा कि इतना ऊपर ceiling क्या देना, हम थोड़ी arch करके अपना थोड़ा ऐसा दिखाते हैं कि you are entering into a palace. हम दोनों को arch बहुत पसंद है. Plus our mom is fond of arches. तो हमारे घर में mostly आपको arches दिखेंगी. This is actually her vision, our mom's vision. और plus I want to tell you before moving ahead कि ये घर हम दोनों ने मम्मी ने खुद इंटीरियर पूरा डिज़ाइन किया है. एक एक चीज़, एक एक दीवार, एक एक पत्थर वो हमने खुद सोचा है कहाँ पे लगना चाहिए कहाँ पे नहीं. बिकॉज दिस वॉल वॉजेंट हेयर, ये पूरा बंद था एंड दिस वॉज ओपन. सो हमने इसको बंद करा दिया. वी मूव्ड अ रूम ओवर हेयर. एवरीथिंग इज़ लाइक इन बिल्ट. और ये सब कुछ मैं तो भाई मम्मी को क्रेडिट दूंगी. एक साल लग गया बट वर्थ इट. ओके, तो हमने पहले एक आर्च बनवाई, फिर सोचा कि दूसरी भी होनी चाहिए, फिर दो बना के एक और बना दी, फिर एक तोड़वा दी कि अब अच्छी नहीं लग रही, इससे ज़्यादा आर्च नहीं लगा सकते. तो हमने यहाँ पे दो आर्चेज बनाई एंड दीज आर दी पेंटिंग्स बिकॉज मम्मा लव्स आर्ट. वो खुद आर्टिस्ट हैं, बनाती हैं. बट ये वाली मम्मा ने नहीं बनाई है, बाकी हम बट वेरी सून शी इज़ गोना पेंट अगेन. या वेरी सून. सो दिस इज समथिंग डिफरेंट विच वी लाइक्ड बिकॉज दिस वॉज गोइंग विद अ थीम. हमारी ब्लैक एंड वाइट थीम है पूरे घर की. सो ये ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग्स वर गोइंग प्रीटी वेल विद ब्लैक एंड वाइट है. तो फिर ये जगुआर सिल्वर कलर का यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि यार इसकी चमक देख रही हैं आप, यहाँ तक आ रही है. ठीक है, तो हमने इसको ऐसे ही रखा हुआ है एंट्री के लिए. ओके, मूविंग टू आवर लिविंग रूम. दिस इज आवर लिविंग रूम. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिविंग रूम की है हमारे कृष्ण जी एंड गुरु जी, जिनकी हमने मूर्ति स्पेशली बनवाई बहुत मुश्किल से, और हमें एकदम परफेक्ट मूर्ति मिली जो हमने सोची थी कि होनी चाहिए. और इस मूर्ति को ढूंढने के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं गए. इवन वी कॉन्टैक्टेड उदयपुर का मेकर, जयपुर, हर जगह गए, बट वी फाउंड इट इन दिल्ली. सो बेसिकली इट इज़ मेड इन दिल्ली ओनली. दिल्ली मुंबई, आई एम कन्फ्यूज, बॉम्बे, सॉरी, इट इज़ फ्रॉम हियर ओनली, मुंबई. बॉम्बे से ही मिला. और ये सारा फर्नीचर हमने दिल्ली से बनवाया, एक एक चीज़ सोच सोच के पूरी खुद से बनवाई. और ये घूमता मुझे ना पिंटरेस्ट, ये बहुत आपने देखा होगा, देखा मुझे पता था. ये पूरा काउच नोन, दिस इज नोन एज क्लाउड काउच. तो ये पूरा हमें बहुत पसंद आया. मैंने बोला मम्मा ये सेम बनवाना है, चाहे कितना भी लगे बट ये सेम चाहिए. तो मम्मा ने कहा ठीक है चलो आई विल ट्राई.
शी वेंट टू दिल्ली, वहाँ पे जाके मिला हमें एक और फिर पूरा सारा सामान इंक्लूडिंग एवरीथिंग दैट टू दिस एंड द स्टूडियो रूम्स काउच सब कुछ ट्रक में भर के आया और बाहर पड़ा रहा 2 महीने तक. 2 महीने और हमने खोला ही नहीं, हमें लगा कि कोई चूहे हुए ना चले जाए, हमने खोला ही नहीं बिकॉज मुंबई की बारिश तो आपको पता है, हम ऐसा था बस बारिश हुई फर्नीचर गया और इतना डर डर के खोला ना हमने. आफ्टर 1 ईयर we opened everything, no sorry 2 months, 2 months. opened 2 months bahar hi tha wo sab kuch. okay so this is our couch which moves thoda thoda. wo piche dekho, uth jao aap, aap baith hi nahi sakti hain yahan pe, ye allowed hi nahi hai yahan baithna. batao koi aata hai, mom bolti hai idhar mat bithao, tum bhi mat baithna, bas yahan brownie baithti hai aur koi nahi baithta. aap baith sakte ho. so yeah this is it. ये रिवॉल्विंग मेरा आइडिया नहीं था, ये मम्मी का ही था, ये मुझे आइडिया भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ काउच होता है. ओके सो दिस इज अ डॉगी, इस पर हम कुछ ना कुछ रख देते हैं, कभी चार्जर पॉपकॉर्न, तो ये भी कुछ काम कार कीज. कार कीज. ओके सो कमिंग बैक टू दिस एरिया, दिस इज अ वॉल, इसकी लाइट्स नहीं जल रही, जल रही है वहाँ से, आपको अंदर घुसना पड़ेगा, नहीं जा सकते ना, ट्रिक फोन से कर लो ना. आपको नहीं पता चल रहा है ना. दिस इज हॉर्स, एक बहुत सुंदर सा हॉर्स है जो मैंने बोला कि हम सूट, पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई, वेरी डिफरेंट थिंग, हमने ये वाली आर्च बनवा दी, ये पूरी आर्च बनवा दी और ये ऐसे ही खरीदा हुआ था, बनवाया और ये और वो लकीली कैसे पूरा फिट हो गया, पूरा मेजरमेंट से फिट हो गया और लग भी नहीं रहा कि इस एरिया के अलावा कहीं जाएगा अभी. हमने फिर यहाँ हॉर्स बना दिया, फिर मम्मा ने बोला फाउंटेन इस लोकेशन पे, इस डायरेक्शन वाटरफॉल के हिसाब से अच्छा लगता है. हाँ. वाटरफॉल में पहले सोचा था बट जगह नहीं बची, तो ये छोटा सा मम्मा ने लगा दिया बोर्ड और बोला देखो तुम लोग खिलते रहोगे छोटी छोटी चिड़ियों की तरह. मम्मी की वजह से हम दोनों भी इसे बहुत विश्वास करते हैं. लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमने हमारा वो पूरा वॉशरूम तोड़वाने का रीजन, सर्वेंट क्वार्टर तोड़वाने का रीजन यही था वास्तु, ओनली वहाँ पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए. इधर भी एक वॉशरूम था वो भी तोड़वा दिया, यहाँ से सब बंद करवा दिया, उधर वॉशरूम था वो भी तोड़वा दिया, नाउ वी इट दिस रूम, दिस फ्लैट हैड 5 वॉशरूम्स, नाउ इट हैज़ 3. इतने रिक्वायर्ड भी नहीं थे और हमने सोचा कि वास्तु के हिसाब से वहीं वॉशरूम रखेंगे जहाँ पे बनता रिक्वायर्ड है. ओके गाइस चले बालकनी में, चलो लेट्स गो. ये देखो ये शो ऑफ करने से कभी नहीं हटती है पीछे. मैंने बालकनी को बोला इसलिए ताकि फीचर दिख जाए. ओके सो दिस इज अ बालकनी. आज थोड़ी ह्यूमिडिटी है, बहुत ह्यूमिडिटी है. बेस्ट सनसेट अगर आपको देखना है तो प्लीज हमारे घर आओ. हाँ. चाय की चुस्की के साथ. तो यहाँ के भी हमने ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स करी मम्मा ने स्पेशली, प्रॉपर मोज़ेक ब्लैक एंड व्हाइट. सो मम्मा लव्स ग्रीनरी, इसलिए यहाँ पे यू कैन सी प्लांट्स एवरीवेयर. प्लस इसके पीछे एक बैक स्टोरी है, दीज आर ऑल दी बॉटल्स जो हम बाहर से लेके आते थे. मम्मा वॉज लाइक इसको वेस्ट नहीं जाने दूंगी, जस्ट शी पेंटेड एंड वेरी क्रिएटिव शी इज, और ये सब पेंट करके यहाँ पे लगा दिया. एवरीथिंग शी हैज पेंटेड हियर, इवन दिस टेबल इज पेंटेड बाय हर. बाहर की जो टेबल्स थी वो मम्मा ने खुद ही पेंट करी है. ओके सो वी हैव दिस इज अनदर आर्च एंड ग्रीनरी यू कैन सी, एंड दिस इज अनदर बालकनी स्पेस. हम यहाँ तक चलते जाएंगे चलते जाएंगे. सो दिस इज स्टिल हियर, दिस इज मम्माज रूम. तो आप सुकून पूछते हो क्या है, ये है सुकून. द व्यू, द व्यू इज ब्लिसफुल. वो देखो आपकी जो फ्रेंड है वो वहाँ पे स्नैप बना रही. इतना अच्छा लगा उनको व्यू. हमने सोचा बॉम्बे से मतलब मेन सिटी बांद्रा जुहू अंधेरी उससे बेटर है थोड़ा पीछे आए लेकिन ये व्यू मिल जाए बस. हाँ. वहाँ थोड़े से पहाड़ दिख जाते हैं, यहाँ पे सिटी लाइफ दिख जाती है, वहाँ पे सी दिख जाता है, सो इससे बेटर व्यू कहाँ मिलेगा, आई डोंट नो. बारिशों में बेस्ट व्यू. अभी एक्चुअली आपको कल आना चाहिए था, कल अगर आते तो क्लाउड्स यहाँ तक थे. हाँ, क्लाउड्स अंदर आ जाते हैं सच में, पूरे अंदर थे घर के अंदर तक, ऑल ब्लैक क्लाउड्स, बट इट वॉज वेरी नाइस ब्यूटिफुल. ओके सो वी कैन मूव ऑन टू आर नेक्स्ट रूम विच इज आर एले एंड देन आर बेडरूम. बेडरूम
सो अभी तक मुंबई में हम जितने भी घर में आए हैं, मुंबई छोड़ो दिल्ली में भी हम जितने भी घरों में रहे हैं, वी वर एवरीवेयर इट वॉज रेंटेड एंड वी वर द टेनेंट्स ऑफ द हाउस नॉट द ओनर्स. दिस इज़ अ फर्स्ट हाउस जो हमने खुद अपनी मेहनत से विच वी हैव अर्नड. एंड हमारी बस एक ही विश थी कि हम लोग ना, मम्मी अपने रूम में खाना खाती थी, हम दोनों अपने रूम में खाना खाते थे. बेडरूम में कभी खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा घर में डाइनिंग टेबल होना चाहिए कि सब बैठ के खाना साथ में. ऐसा बोलते हैं कि आपकी बरकत नहीं होती, आपकी कमाई नहीं होती और खाना आपको लगता नहीं है. तो मुझे ऐसा लगा है कि मैं मोटी हो गई हूँ. मम्मा ने कहा घर में डाइनिंग टेबल होगा, नहीं होगा तो मैं घर में नहीं रुकूंगी. तो हमने ये डाइनिंग टेबल मंगवाया कि मम्मी बैठो आराम से, अब हम तीनों साथ में खाना. तो ये भी हमने पूरा ब्लैक एंड व्हाइट थीम के साथ किया, एंड बिट ऑफ गोल्डन टच फॉर अ बिट ऑफ लग्जरी, बट हमने कंटेम्प्रेरी फील्स ही रखे हैं. थोड़ा बहुत लग्जरी टच होना चाहिए, तो वो हमारे बार से और डाइनिंग टेबल से आती है. इफ़ यू कैन सी द चेयर्स, या एवरीथिंग ब्लैक एंड व्हाइट. सो दिस इज़ आर छोटू सा बार एरिया. ये बॉटल्स ऐसी रखी हुई बहुत टाइम से. ये बॉटल हमने पता नहीं कहाँ से, कोई साउथ अफ्रीका से, सम इज़ फ्रॉम टर्की एंड फ्यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ये सब लगा हम जाते हैं, लेके आ जाते हैं बस यहाँ भरने के लिए. और एक ही एम्बिशन से लाते हैं, घर में लगाएंगे तो ऐसी बॉटल्स आएंगे, वरना नहीं लगाएंगे. तो ये हमारा छोटा सा है, दिस वी गॉट फ्रॉम टर्की. इसको दिस इज अ वेरी यूनिक वाइन पोरर. तो आप इसको ऐसे रखते हो एंड दिस यू पोर इट लाइक दैट, ऐसे वाइन जाती है छोटा छोटा. वहाँ से हम सीख के आए. एंड वाइन भी वो लोग इन्हीं कप्स में पीते हैं. और ये बनाने में इट टुक लाइक 1 month, उन्होंने जो हमें बताया, वी आर टेलिंग यू, 1 महीना लगा कि ये लोग बनाते हैं इस चीज़ को. हमने इस चीज़ को एंटीक को यहाँ रख दिया. यस, सो व्हाट वी डू, डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते हैं. वी हैव दिस होल एरिया, प्लस आई एम गोइंग टू शो यू. अगर आपने बात करें तो आपको बताते हैं. फोन का है, फोन वाला. हाँ, आई विल शो यू. क्या बात, अच्छा लाइट. ऑलराइट, तो हम इसका थीम भी सेट कर देते हैं अगर आपको, क्योंकि इतना ब्राइट लाइट में पार्टी नहीं होती है, यू नीड डिम लाइट्स. तो हम ये सब बंद करके वी चेंज द कलर्स हियर, सो वी कैन चेंज इट टू एनी कलर. एंड म्यूजिक के साथ साथ ये ब्लिंक भी करती है. सो हम सारे घर के लाइट्स ऑफ कर देते हैं एंड वी आर लाइक डैमेज. तो ये हमारा पार्टी वाइब बन जाता है. अभी कौन सा कलर अच्छा लग रहा है? थैंक यू. विच कलर यू लाइक? Pink, purple, blue. Perfect. Oh, goes like blue too. Nice. चलो ठीक है. So our favorite place, which is our bedroom. और हम दोनों ने सोचा कि हम अकेले सो ही नहीं सकते, हमें साथ ही सोना है, इसलिए हमने एक ही रूम रखा है, वहीं सोते हैं इकट्ठे. दोनों बचपन से साथ में सोते हैं, हमें अकेले नींद ही नहीं आती. अब नहीं आती. झगड़े होते हैं? झगड़े होते हैं, बस वही होते हैं कि आज अगर ये टॉप पहनना है तो मेरे को ही पहनना पड़ेगा, अगर ये पैंट्स मैं कल पहनूंगी तो ये हम परसों पहनेंगे, इस बात पे लड़ाई होती है बस. कि आज एक दिन मैं सिलेक्ट करती हूँ आउटफिट हेड टू टो, और एक दिन मैं तो आज का आउटफिट टॉप इसने सिलेक्ट करा ज्यादा अच्छी है. हाँ सुनो, टॉप इसने सिलेक्ट करा है, पैंट्स मैंने सिलेक्ट करी है, सो दैट ब्रेक्स सिलेक्ट करी है, नेल पेंट मैंने सिलेक्ट किया, ब्रेसलेट मैंने सिलेक्ट करा है, हेयर स्टाइल हमने सिलेक्ट करा है. सो ओवरऑल लुक तो दोनों की बन रही है ना, मेक सेंस. ओके, तो मैं अच्छे लग रहे हैं ना, बस ठीक है. ओके, तो ये है हमारा किचन विच इज ऑल्सो ब्लैक एंड व्हाइट थीम्ड, जहाँ पे हमें जाना अलाउड नहीं है क्योंकि मम्मी की रसोई है, मम्मी बहुत मारती है. हम यहाँ पे सिर्फ मैगी या चाय बनाने चले जाए तो हमें चांटा पड़ता है, तो हम जाते ही नहीं है. घर में गंदा कर दिया ना अगर, तो हम घर से बाहर निकल जाएंगे. प्लस दिस एरिया वी टॉक अबाउट बिफोर एंटरिंग द किचन, जो हमने बोला था, रेस्ट वाजर ओवर हियर इफ यू कैन सी. This is IT award. This is a very special award for us. And iconic gold awards and Gaurav awards. Hindustan Gaurav award. This is from CNBC. Sorry. Yeah, CNBC and RBI iconic achievement award. बस बस हो गया है ना? ठीक है, अवार्ड के बारे में बता रही हूँ. हाँ ओके, सो दीज आर ऑल द सोवेनियर्स. हमने जितनी कंट्रीज ट्रैवल करी है वहाँ से हमें कुछ कुछ लेके आए हैं चीज़ें. दिस इज ऑफ कोर्स फ्रॉम दुबई. Singapore. This is from Paris, जो हम कभी गए नहीं, but one of our friends went there, so he gifted us. तो सबको लगता है कि हम पेरिस होके आए, so let it be. हम उनको करेक्ट नहीं करते. But no, I really want to go to Paris someday. Okay. So this is another portion for the souvenirs जो हम रखते हैं यहाँ पे, and that's our kitchen, black and white themed again. So this is our kitchen again black and white. जहाँ पे हम तभी आए क्योंकि मम्मी नहीं है घर पे, वरना हम नहीं घुसते. तो हम किचन आपको दिखा सकते हैं. So these are very I don't know what you call it, थोड़ा translucent. Yeah, translucent I know, but this feature I don't know कि ये
हम छोटे छोटे ना 8 में, तो इतनी ऊपर जा नहीं सकते. हमने इनको ही नीचे कर दिया था कि हम वहाँ तक पहुँच जाए. एंड ऑनेस्टली आप ये सोचोगे कि वहाँ पे हम क्या रखते हैं, तो वहाँ पे हमारी सारी स्टोरेज है. वो ऊपर भी स्टोरेज है, सारे विंटर्स के कपड़े हैं. ऑनेस्टली सही, तो यहाँ पे काम ही नहीं आते, हम दिल्ली से लेके आए थे, वो ऊपर रख दिए गए हैं. हाँ, और अगर जब चाहिए होता है तो यहाँ पे लगती है 10 स्टेप्स की सीढ़ी, फिर हम ऊपर तक पहुँचते हैं, फिर हम सामान निकालते हैं. अचार हम वो हाथ से खाते हैं, वो स्वाद हाथ से ही आता है. कभी ऐसी डिश जो बनाने की ट्राई की हो बट यू फेल्ड बैडली? आई मेड व्हाइट सॉस पास्ता अल्फ्रेडो, बट एंड में वो सुनो ठीक था, इतना बुरा भी नहीं था. ओबाक आ गया सोच के. वो इतना ज्यादा चीजी क्रीमी बना दे कि वो दो बाइट से ज्यादा खाया नहीं. नो इट वाज नाइस बट वो इतना हेवी हो गया, नहीं खाएगा. बाकी वी लव टू कुक, ऐसी बात नहीं है. बस मम्मी घुसन देती किचन में, वो बात अलग है. ठीक है, हम कुछ ना कुछ बनाते हैं. भिंडी पुलाव, रोटी, सब्जी, आलू गोभी, आलू मटर बना रहते हैं. आ जाता है. बॉम्बे का फूड या दिल्ली का फूड? दिल्ली का फूड. ओहो, भटूरे, पानी, गोल गप्पे, आलू चाट, आलू टिक्की, राम लड्डू. ओहो, बस जा रहे हैं परसों दिल्ली, सब चटोरे. आप बोलो, हम दिल्ली जाते हैं तो हम क्या खा के आते हैं, पूछो आप हमसे. आप दिल्ली जाते हैं तो आप क्या खा के आते? पनीर मसाला, बटर मसाला, चना मसाला, वेज लखनऊ, वेज कोल्हापुरी, वेज जयपुरी, आलू पूरी, पानी पूरी, हलवा पूरी, काल दाल, पीर दाल, माके दाल, तवा रोटी, मिस्सी रोटी, मक्की रोटी, इतना कुछ खा के आते हैं. हम 4 किलो बढ़ा के आते हैं, फिर हम वापस बॉम्बे आते हैं, डाइटिंग करते हैं. बॉम्बे में हो तो बॉम्बे का फेवरेट फूड क्या है? आई लाइक पानी पूरी है. उसको पानी पूरी नहीं बोलते हैं फूड. हाँ, पानी पूरी तो बोलते हैं, वहाँ गोलगप्पा एंड वड़ा पाव. दो तीन बजे कुछ बाहर ऐसा मिलता है, बाहर पाव भाजी, तो ये सब अच्छा लगा. यू आर फ्रॉम मुंबई? नहीं. ओके, यू आर फ्रॉम मुंबई, सो व्हाट यू लाइक इन मुंबई? तो अभी मैंने यहाँ सब कुछ ही सब कुछ पसंद है. ऑल्सो कोई बॉम्बे का ओवररेटेड फूड जो सबने तारीफ किया बट यू आर लाइक मेरा दिल्ली बेटर है? ओके, ये कांदा भजिया. गोपाल जी के छोले भटूरे. ओहो, आशू छोले भटूरे. हाँ, सबसे लास्ट डिश बेटर है, तो हम यहाँ खाने जाते हैं. जूम है, वो एक अच्छा खासा स्टोर है, तो हम वहाँ जाके खाते हैं. पहले रेडी थी बट अब 2 साल में इतना प्रोग्रेस हो गया, शायद हमने इतने कस्टमर दे दिए, दुकान बना ली है, तो हम उधर जाके खाते हैं. हम कितने बदतमीज है, सॉरी. ऐसे रखा हुआ है, पहले पूछना था यार. हाँ, मुझे भी दे दो. ओके, कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ द हाउस. सो दिस इज आवर अनदर एले. दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी वॉल, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी बचपन से लेकर अभी तक की यादें हैं. दैट्स हमारी जोई है, वो एक्सपायर्ड 4 years ago व्हेन वी मूव टू मुंबई. बट ऐसा एक पल नहीं होता जो मैं इसके बारे में सोचती नहीं. वो इस घर में आने वाली थी और उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ सेपरेशन एंजाइटी. हम बॉम्बे आ गए थे एंड शी वॉज इन दिल्ली, और हम उसको लेके ही आने वाले थे, उससे पहले ही उसको सीवियर अटैक पड़ गया था, पैरालिसिस अटैक. सो दैट्स आवर मामू एंड मामी विच आर ऑल्सो नो मोर. एंड ये छोटे छोटे हम दोनों उनकी गोद में, तो हमने उनका यहाँ पे रखा है. दिस इज अस बड़े होके. दैट्स ब्राउनी, दैट्स मम्मा, ब्राउनी एंड अस. फिर हम दोनों का बॉन्ड, हम दोनों का हाथ.
एंड दैट्स आवर डैड मॉम हमारा होली सेलिब्रेशन पिक्चर है एवरीथिंग यू सी इज ब्लैक एंड व्हाइट हमारी बचपन की पहले डांस परफॉर्मेंस की पिक्चर हाँ एंड दिस इज आवर चिंकी मिंकी शो जो हमारे इवेंट्स पे जो भी हम लाइव शो एंड परफॉर्मेंसेस करते हैं वी हैव दिस कार्ड ओवर हियर ऑल द टाइम सो मम्मा ने उसी को वहाँ प्लेस कर दिया कटिंग करके हाँ सो दिस इज अ मेमोरी वॉल एंड दिस फिगर फ्रॉम टर्की बहुत एक स्पेशल है मम्मा ने बोला ऐसा क्या है इसमें जो तुम इतना दूर से ही मंगवाया यहाँ पे एंड इट टुक लाइक टू मंथ्स to come over here to reach because ये custom में अटक गया था एक महीने के लिए we couldn't find it but finally it's here तो अगर आप फ़ोन की वॉल्यूम आपकी इतनी सुनाई दे रही है ना और तेज करो मैं कह रही वॉल्यूम करो फुल है अब आई है दिस इज द स्पीकर तो हम इसको डाल देते हैं और वॉल्यूम बढ़ जाती है एंड प्लस दिस वन मोर फीचर अगर आप रात को इसको देखोगे सो दिस ग्लोज दिस होल पार्ट ग्लोज तभी हमने इसको कॉर्नर पर रखा है So this is also neon touch. तो if you were light नहीं है इतनी यहाँ देखो दिख रहा है हाँ अगर light off करोगे तो पूरा ये glow करता है इसे torch के हिसाब से you can just play along the color. Now you can switch off the torch it's lag. Okay so this is our room हमारा special घर. But हमारे room में जाने से पहले आपको password बोलना पड़ता है जो possible नहीं है so there's a हाँ okay. Chinky जी, Minky जी, हमें आपके room के अंदर जाना है. तो क्या पासवर्ड हो सकता है कुछ दे सकते हैं आप आपको ना सिर्फ रूम की घंटी बजानी है ओके दो तीन बार बजाओगे तो कैसे चलेगा हाँ तो अगर हम अंदर होंगे तो खोल लेंगे नहीं होंगे तो फिर हम फोन से खोल देंगे आप अंदर बैठ के चिल करो वी विल जॉइन यू ओके सो दिस इज आवर रूम इट्स अ स्लाइडिंग डोर इसका एक हमने बहुत बड़ा ड्रॉबैक बाद में सोचा कि स्लाइडिंग डोर नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि ये फिंगरप्रिंट मम्मा का भी लॉक्ड है हाँ तो हमारे पास कोई प्रिवेसी नहीं है गाइस मम्मा अगर आप अंदर हो तो आप सुन लो हमें प्रिवेसी नहीं मिलती है क्योंकि मम्मी ऐसे करती है ठक और क्या कर रहे हो सीधा अंदर भाई अरे मम्मी यार इधर तो वो लगाओ चिटकी नहीं बोलते हैं ना वो लगाओ भाई सोचा हम वो लैच लगा लेंगे ताकि अटक जाए पर ठीक है यू गाइस कैन कम सो दिस इज आवर छोटा सा दुबई मॉल हमने यहां पे कोशिश करी बनाने की और इससे ज्यादा शोरूम नहीं कर सकते हाँ नहीं है और करनी ही नहीं है बस हो गया हमें यहाँ पे सब चीजें दिखानी थी लगानी थी जो ब्रांड्स थी ले ली सारा नहीं ले पाएंगे यही है जो है सो दिस इज अ सेक्शन जस्ट फॉर द ब्रांड्स ऑल द बैग्स यहाँ पे कलेक्शन है एंड फ्यू आर इनसाइड जो यहाँ पे स्पेस नहीं बची वो हमने अंदर सामान रख दिया एंड दिस इज आवर क्लोजेट अनदर क्लोजेट बिकॉज कपड़े थोड़े ज्यादा घर में हो गए लेकिन हम पहनते कुछ भी नहीं है बट ठीक है सो दिस इज इट यहाँ पे सारे हमारे कैजुअल वेयर है एंड डाउन देयर इज ऑल लॉन्ग जंप सूट्स जैसे लॉन्ग ड्रेसेस क्लोजेट है ना ग्लिटरी शिमरी तो ये थोड़ा वो टच डालने की कोशिश करी है सर सॉरी ओके सो दीज आर ड्रेसेस एवरीथिंग इज 2 2 2 2 2 सारी जगह आपको 2 2 पेयर्स दिखेंगे एवरीथिंग इज 2 2 हमारा वार्डरोब ना समटाइम्स इज वेरी फनी अगर एक पेयर मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता तो उसके पहले वाला नहीं मिलता तो मम्मा इज लाइक अब तो सब कुछ दो दो रखना पड़ेगा इन फैक्ट द ज्वेलरीज आर आल्सो डबल हियर हां इफ यू कैन सी सब कुछ डबल है इयररिंग्स डबल है हर चीज डबल है ब्रेसलेट्स डबल है क्लिप्स डबल है सब डबल है रिंग्स आर डबल एवरीथिंग इज सेम हां ओके सो दिस इज आवर रूम जहां पे हम रिलैक्स करते हैं और अपना माइंड फ्रेश करते हैं मेरे को जेन्युइनली अपने रूम से इतनी पीसफुल वाइब्स आती है और हमने टचवुड ऐसा करवा दिया इंटीरियर कि मैं 5 साल 10 साल में बोर नहीं हूँ हाँ और चेंज कराने का मन नहीं करेगा बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड दैट टाइप ऑफ वॉल जो आप रोज देख सकते हो एंड आई कैन जस्ट यू नो आई एम मेस्मराइज्ड विद दिस वॉल मैं ऐसे बैठ के बस इसको देखती रहूंगी और मेरा दिमाग चलता रहेगा स्टोन वॉल है एंड द कलर इज सो सूदिंग कि हम यहाँ बैठ के बस रिलैक्स करते हैं और कुछ नहीं करते यहाँ पे और अगर थोड़ा सा कभी डिप्रेस भी होगा तो सामने है मरियन मुनरो इनका हमने पोस्टर लगा दिया यहाँ पे एक से एक बड़ी से बड़ी चीज लिखी है फॉर मोटिवेशन क्योंकि अगर हम बेड पे होते हैं व्हेनेवर वी फील लो हैप्पीनेस इज रिटन राइट ओवर हियर एंड फियर इज स्टूपिड सो आर रिग्रेट्स सब कुछ इसमें इतनी मोटिवेशनल पोस्टर है एवरीथिंग इज ओवर हियर आई सर्वाइव्ड फेथफुल स्माइल एक्सप्लोर लव गाइस लड़कियां लव के बारे में लिखा है ब्रेकअप नहीं लिखा है यहाँ पे लव के बारे में लिखा है प्लेगर्ल लिखा है Playboy भी लिखा है Okay, so how to inspire the best in you and everything is here. Enjoy yes. life, amuse, love, joy, eternity, betrayal. देखा यार सब कुछ है. Scared of betrayal, but
कोई बात नहीं, हम आगे आ गए हैं बहुत उस चीज से. फेमस, एक्साइटिंग, फैंटेसी, आर्टिस्टिक, एंड दिस इज इट. सो दिस इज आवर मोटिवेशन, दिस पोस्टर. एंड हमने इसके ऊपर फोकस भी डलवाई एक लाइट के हमें दिखता रहे. एंड अगर आपको डर लगता है कि आप पोस्टर जैसे बड़े बड़े फेस के साथ नहीं लगा सकते सुबह उठ के, डर लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बहुत प्यारा लगता है. मैं आज उठी तो मुझे लगा ये कौन आ गया, तो मैंने राइट थ्रू योर आईज. सो द मेन थिंग अबाउट अवर रूम इज दिस काउच ऑब्वियसली. एंड ये काउच हमें मम्मा का आइडिया था कि बेडरूम में काउच होना चाहिए. सो गाइस, हमारे पास दो जगह हो बैठने की भी और लेटने की भी. सो इट्स लाइक दैट, वी एंजॉय दैट व्यू व्हाइल सिटिंग हियर, एंजॉय दिस व्यू व्हाइल सिटिंग देयर. या एंड इट्स अ लो बेड, हमने स्टोरेज वाला बेड नहीं रखा, मुझे नहीं चाहिए था. नीचे लाइट्स चाहिए थी, थोड़ा सा लो बेड एंड गुड टू गो. ओके, सो दीज आर हिडन, व्हाट्स दैट, मेकअप एरिया. सो दिस गोज इन, दैट इज my sisters and this is mine. यहाँ पे हम थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, तो ये हमारे थोड़े से यहाँ पे perfumes दिख जाते हैं. एंड here it's makeup and everything. yeah. और ये मेरा चांद इस तरफ है, उसका चांद उस तरफ का. आज आ जाओ, दिखाऊँ मैं आपको मेरा चांद. ओके, सो मेरा चांद इस तरफ है एंड दिस इज माई स्टफ. सच सच बताना किसका ज़्यादा ऑर्गेनाइज है प्लीज. वैसे तो दोनों मैंने ऑर्गेनाइज करे हैं, बट ये ज्यादा है ना. नहीं, वो हम यूज ही इतना कम करते हैं. रहने दो, घर छोड़ के चले जाएंगे. लड़ाई करा दी दोनों में. ओके, तो ये हमारा, और इसके लिए भी ऊपर सीढ़ियाँ लगती हैं, वहाँ पे हमारे लगेजेस हैं, सब कुछ है. ऊपर भी हम सीढ़ी लगा के पहुँचते हैं कभी कभी जब काम आता है. एंड दिस इज आवर, सो ऑनेस्टली व्हेन वी वेंट टू दुबई, वी वेंट टू दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी बाय वर्सेचे. सो वर्साचे पलाजो होटल इट वॉज, वहाँ पे सब कुछ वर्साचे प्रिंट था. आपने घर का दरवाज़ा देखा ना वर्साचे पूरा, वो थीम वहीं से आई है. एंड प्लस दिस पार्ट, हमने सोचा ये वर्साचे तो करवाना पड़ेगा. रूम में एक टच तो चाहिए इस प्रिंट का. कैसे जैसे तैसे करवा दिया, एक महीना लगा सब ये बनने में, बट हमने कहा ये तो चाहिए चाहिए. ठीक है, सो दैट इज अ बालकनी, इफ यू कैन टर्न अराउंड. ओके, तो यहाँ पे हम चिल करते हैं और चाय की चुस्की मारते हैं. मैं इस बालकनी की बात कर रही थी, मतलब देखते ही ना ऐसा पीसफुल हो जाता है ना दिमाग, सुकून क्या खुल रहा है यहाँ से खुलता है. हाँ, कुछ भी कर रही है, सॉरी. ओके, देख के सुबह वहाँ पे प्लांट है, इसको पीछे मत करना. सो दिस इज द व्यू जिसके लिए हम मरते हैं रोज देखने के लिए. हाँ यार, ये तो है, यहाँ पे मुझे असली सुकून मिलता है, इसका पता नहीं. सो दिस इज द व्यू, इट्स अ 180 डिग्री व्यू, वेयर यू कैन ऑल्सो सी द सीलिंग फ्रॉम हियर. आज क्लाउडी इतना दिख नहीं रहा, वरना पूरा सीलिंग दिखता है सामने. यू कैन सी पूरा सी दिखता है एंड द क्लाउड्स आर हियर एंड बिल्कुल सामने सनसेट होता है. आज सन नहीं है, नहीं दिख रहा, बहुत प्यारा. यू कैन सी एवरी कलर. एक दिन तो इट वॉज पर्पल एंड डार्क ब्लू स्काई, बहुत सुंदर लग रहा था. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. सो ऑल द सिटी लाइट्स, रात को यू कैन जस्ट सिट हियर, रिलैक्स एंड सिटी लाइफ एंजॉय करो, बहुत अच्छा लगता है. सो आई एम गोना सेट हियर. से हाईवे का ट्रैफिक देखते हैं कितना है और उस हिसाब से निकलते हैं. हाँ, मीटिंग भी उस हिसाब से सेट होती है हमारी, कहीं लेट नहीं जाना. ट्रैफिक देखेंगे, गूगल मैप्स ये है हमारा सामने. ओके, सो गाइज वी आर गोइंग टू मूव इन साइड आवर बेडरूम. ओके, लेट्स सी. बहुत गर्मी है आज, ऑनेस्टली वैसे इतना अच्छा मौसम होता है. आज ह्यूमिड है काफी ज्यादा. ओके, चलो जी. तो ये जो सुकून भरा आपने हमें हाउस टूर दिया है, मैं चाहती हूँ बहुत प्यारी सी एंडिंग हो. हम चाहते हैं कि बहुत प्यारी सी एंडिंग हो. हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या स्टोरी रही है, ये सुकून के पीछे क्या स्ट्रगल्स रहे हैं. हमें इतना पता है कि आप नोएडा से हैं, आप बॉम्बे से हैं नहीं. ठीक है, तो हमने अपना जर्नी स्टार्ट करी फ्रॉम द कपिल शर्मा शो, बट बिफोर दैट उससे हमारी मेन स्ट्रगल वहां से स्टार्ट हुई थी. क्योंकि हम शूट्स करते थे, मॉडलिंग शूट्स करते थे बचपन से ही, 5 years के थे. मम्मा ने बोला कि ट्विंस हैं, और हमें मेट्रो में ट्रैवल करते हुए एकदम से एक लेडी आके बोलती है कि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर एक्टिंग.
तो मम्मा ने बोला ठीक है वी कैन ट्राई फॉर शूट्स एंड एवरीथिंग. तो हमने छोटे बचपन के शूट्स कराए, एक दो मैगजीन शूट कराए. मतलब हम दोनों को आपको हम दिखाएंगे, वी हैव आवर पिक्चर्स. बट वो शूट ऐसा था, इतने इतने से थे हम दोनों को स्माइल भी बस ऐसे कर दिया. अच्छा ऐसा उतना टाइप का शूट, इससे ज़्यादा नहीं किया. उसके बाद ही फोकस ऑन आर स्टडीज, देन वो शूट पीछे चला गया, कब समझ में नहीं आया. सो वी डिड एन ऐड फॉर एशियन टीवी गेम्स व्हेन वी वर दिस मच. छोटी छोटी गेम्स होती, इसमें मारियो आता था, छोटे ब्लैक कलर के एंड रेड कलर के रिमोट्स थे, तो उसके हमने ऐड करी थी पहले ही हमारी. उसके बाद से हमने नहीं किया. मम्मा ने बोला अभी पढ़ाई में फोकस करो, तो हमने फिर ट्वेल्थ करी, ट्वेल्थ में टॉप करा, टेंथ में टॉप करा, और फिर शी स्कोर्ड 9 CGPA इन 10th स्टैंडर्ड. हम शक्ल से पढ़ाकू लगते नहीं है बट बहुत है. तो शी 10 CGPA, 100% CGPA, एंड आई गॉट माय दिस मच. इतनी बड़ी फोटो आई थी मेरे 9-12 टाइम्स में उस टाइम पे स्कॉलर पिक्चर. उसके बाद हमने ट्वेल्थ किया और इसके राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया. फिर इसके 89% है बिकॉज शी कुडंट राइट, और इसने साइड में कोई राइटर था तो उसको बोल के, तो वो स्लो राइटर थी तो वो लिख नहीं पाई इतना जितना मैं बोल पाई. हाँ बट उस हिसाब से मेरा 89% था, इट वाज गुड इनफ. 92%. फिर हमने डीओ में एडमिशन लिया. फिर हमने सोचा कि यार हम सेव करते हैं थोड़ा, क्योंकि मम्मा हमें दिन का 500 रुपीज देती थी कि दोनों 250-250 रुपए रखो, ट्रैवल करो, घर जाओ, वापस आओ कॉलेज से और कुछ और खाओ भी खाओ. तो हमने सोचा 250 तो ये बहुत ज़्यादा है हमारे लिए. हम क्या करते हैं, हम ऑटो से नहीं जाते, हम बस से जाते हैं ताकि हम 20 रुपये इधर बचा लेंगे. फिर कैंटीन में जाके कुछ नहीं खाएंगे, खा के वापस आएंगे, तो दिन का हमारा 100-150 बच जाएगा, 100 का खर्चा होगा. क्योंकि हम दोनों को फैशन का बहुत शौक था, तो हमारा मन था 100-200 कुछ तो सरोजिनी नगर से खरीद लेंगे दैट वे. तो हम ऐसा महीना सेव करते थे. और एक दिन मैं बस में जा रही थी, मैंने कहा यार पैसा बचाना है, पैसा बचाना है, पैसा बचाना है, क्योंकि था नहीं उस टाइम पे. तो मैं बस में चढ़ रही थी और बस चढ़ते चढ़ते बस चली गई और मैं गिर गई रोड पे. मैंने उसको कॉल कॉल के बोले मेरे को नहीं बचाने पैसे, मेरे को 20 रुपए दे. मैं तो मैंने कहा आज मैं भी पैसे नहीं बचाऊंगी, मैं आई ऑटो से. मम्मी पापा की कोई गलती नहीं है, उनके पास जितना था उन्होंने हमें दिया, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल. बहुत कुछ अब जितना था उतना ही हम पे लगा दिया, तो फिर अब इससे और क्या बोले. तो फिर मैंने सेव करे पैसे, मतलब आप ये सोचो कि एक महीने मेरे 2500 रुपए सेव हुए और मैं बस में बैठी थी और मेरा बस में वॉलेट चोरी हो गया. तो मैंने कहा यार अभी क्या कर सकते हैं और क्या लिखा है लाइफ में. एक महीना पैसा सेव किया, सरोजनी से कपड़े भी नहीं ला पाए. तो हमने ये सोचा था, मेरा सुरभि मेरा अलग अकाउंट था, इसका समिति मेरा अलग अकाउंट था इंस्टाग्राम. बट वी हैड लाइक 500 फॉलोअर्स, इतना ही था. तो वी थॉट कि हम एक कपड़े को डे एंड नाइट में कैसे ड्रेस अप करते हैं. वो ब्लॉगर्स उस टाइम पे 4-5 साल पुराने, हम उसी कैटेगरी में जा रहे थे कि चलो ब्लॉगिंग करते हैं. तो अपना फ्री में हेयर स्पा हो गया, कहीं स्टोरी डाल दी, 500-600 फॉलोअर्स, नॉट टू मच. फिर हमारे ऐसे कर करके हमने 2-3 साल करा. उसके बाद हमने सोचा कि अभी कुछ करना पड़ेगा, तो हमने ऑडिशंस दिए इंग्लिश में. हमने यूनिसन में 1-2 चीज़ें साथ में ऑडिशन दी, बट हम क्रैक नहीं कर पाए. पूरा इंग्लिश में ऑडिशन था. इट वाज लाइक कि हम दोनों साथ में ही बोल रहे हैं बट इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में नहीं था. एंड इट वाज लाइक कि आई डोंट नो अबाउट हर, दोनों एक दूसरे पॉइंट आउट कर रहे हैं. सो दैट वे वो ऑडिशन वी डिडंट गेट थ्रू दैट. और वो बहुत अच्छी ब्रांड का था, हम सोच रहे थे काश हमें ऑडिशन मिल जाए, बट नहीं मिला. और दिल्ली में मम्मी और पापा का ये होता है ना, एक विजन की बॉम्बे के लोग, और हम दिल्ली के नॉर्मल बच्चे की एकदम बॉम्बे जाके नहीं कर सकते, हमें नहीं भेज सकते, हम बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो एक दिन इसके प्रोफाइल पे रैंडम मैसेज आया. We were in Delhi and while we're doing our job, she used to work in Just Dial, I used to work in OLX, because हमारे पास इतना financial बहुत statement ख़राब थी हमारी. So mama was like कि इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, और Delhi University की फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, but उतना भी हम afford नहीं कर पा रहे थे. हम बस wait कर रहे थे कि हम 18 साल के हो जाएँ, उसके बाद हम सीधा job करने के लिए हम eligible हों, and then we can job work in डिफरेंट MNCs. तो मैंने जस्ट डायल लिया, इसने OLX लिया. मम्मा ने बोला तुम्हें साथ रहने की इतनी आदत हो गई, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, तुम अलग अलग कंपनीज में जाओ, अलग अलग कॉलेजेस में जाओ. तो हमें साथ में भी नहीं जाने था कि हम अकेले ग्रूम करें एज एन इंडिविजुअल, विच वॉज रियली हेल्पफुल. तो हम साथ में ही रहते थे, जरूरत ही नहीं थी किसी. इसकी यूनिवर्सिटी अलग थी, मेरी अलग थी, और उसको कोई फायदा नहीं हुआ. मैं इसके कॉलेज जाके इसका एग्जाम लिखती थी, ये मेरे कॉलेज आके सब कुछ करती. मम्मा ने वो फ्लॉप हो गया मम्मी. तो हम सुबह से लेकर शाम तो कॉल सेंटर में होते थे, शाम से लेकर 2 घंटा कॉलेज आते थे, उसमें जितनी क्लासेस अटेंड कर ली उसके फिर बाद दोबारा से हम अपने क्लासेस की पढ़ाई करते थे. कभी कभी नाइट शिफ्ट भी होती थी, फिर दोबारा हम ऑफिस जाते थे. सो दैट वे ये रूटीन था हमारा. एंड देन वी गॉट अ फर्स्ट चेक
I still remember. अभी मेरे परसों स्टोरी आई है, आज से 6 साल पहले पहला चेक आया था. सो आई गॉट एक महीने का आई गॉट समथिंग अराउंड 9,500 इतना ही मिला. और आपका कितना? 12,000 था उस टाइम का, ज़्यादा था मेरे. तो मेरी फिर आपके पास मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, भरत सर का जो डायरेक्टर ऑफ द कपिल शर्मा शो है, उनका मैसेज आया, हे डू यू एक्ट एज वेल, जस्ट दिस रैंडम मैसेज ऑन हर DM. And my followers were like 1200, इतना ही था, बस इतना था. मतलब एक दो साल में हमने सिर्फ 500 से 1200 तक पहुँचे थे. तो मैंने कहा कि पता नहीं किसका मैसेज आया, इज़ नॉट इवन वेरीफाइड. उस टाइम पे वेरीफिकेशन इतना ईजी नहीं था, 700 रुपये में नहीं बिक रहा था. तो मुझे ऐसा लगे वेरीफाइड भी नहीं, तो ये इनकी सलमान खान शो के साथ कैसे फोटो आई, सबके साथ ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं. देन आई वॉज लाइक, मैंने इसको दिखाया, इसने बोला कि यार मुझे तो पता नहीं जेन्युइन लग रही, मम्मी से पूछते हैं. मम्मी ने बोला फेक है ब्लॉक कर, ऐसे किसी को कैसे मैसेज कर देगी ये वो. तो दो दिन लिए हमने ये सोचने में कि हम हे का रिप्लाई कर सकते हैं. तो हमने दो दिन के बाद मम्मा को बिना बताए हे का रिप्लाई कर दिया, थैंकफुली कर दिया. सच में फिर हमारे ऑडिशन के राउंड्स चले हैं, उन्होंने बोला है कि आपके पास कोई ऑडिशन है. फिर जो हमने पिछली एड की इंग्लिश में बनाई थी, उनको वहाँ से आइडिया लग गया था, दीज गर्ल्स कैन स्पीक टुगेदर. तो उन्होंने एक ही डायलॉग, हमें एक डायलॉग लिया, छोटा सा डायलॉग था, 5-6 लाइंस का डायलॉग था. वो ऑडिशन हमारा 6 मंथ्स चला था, क्योंकि बैक टू बैक इतने सारे राउंड से, क्योंकि हमें नहीं पता था कैसे करते हैं. तो मम्मा वाज लाइक कि तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, इतना ऑडिशन लिए जा रहे हैं, कभी ऐसे मतलब रिकॉर्ड करके भेजना नहीं चाहिए. पर मम्मा का विजन भी मैं गलत नहीं बोलूंगी. सेल्फ टेस्ट चल रहा था, तो हमने सेल्फ टेस्ट दिए, ऐसे बहुत ऑडिशन दिए. देन ही रैंडमली हिज टीम कॉल्ड अस टू बॉम्बे. तो हम पहली बार फ्लाइट में बैठे और हम पहली बार बॉम्बे आए और हम बैठे ऑफिस में, उन्होंने बोला कि तुम्हें किसी से मिलवाना है. हमने कहा ठीक. अब मम्मी पापा इतने डर गए कि बच्चे अकेले जा रहे हैं मिलने के लिए, मम्मी ने बोला फ्लाइट हम उनसे ज्यादा मांग नहीं पाए कि आप दो लोगों की और टिकट दे दो. और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम मम्मा पापा की फ्लाइट या ट्रेन टिकट भी करवा पाए या वो करा पाए. तो हम दोनों आ गए और मम्मा ने बोला उनको ये डरा के बोलना कि हम नीचे बैठे हैं, नीचे मम्मी पापा नीचे बैठे. तो हमने बोला सर वो सब तो ठीक है, लेकिन मम्मा पापा ना हमारे नीचे वेट कर रहे हैं, मैं थोड़ी देर में निकल रहे. कहते ठीक है मिल के जाओ. हम बैठे हुए हैं. अब उन्होंने ना पहले बताया था कि दिस ऑडिशन इज फॉर कपिल शर्मा. उन्होंने डायलॉग वैसे अरे कप्पू शर्मा ऐसे करके बुलवाया था. हमें लगा कि मम्मा तो कहती फ्रॉड है, मम्मा ने तो डिक्लेयर ही कर दिया था फ्रॉड है ये. तो हम दोनों ने इस बार उनकी नहीं सुनी. हम दोनों बैठे, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मिल के जाना. हम दोनों बैठे हैं, देयर कम्स कपिल शर्मा सर, चंदू सर, कृष्णा सर, कीकू सर, एवरीवन टुगेदर. दे आर हैविंग कड़ी चावल एंड ऑल. बड़े रैंडमली घुसे और भाई चिंकी मिंकी क्या हाल है, चिंकी पिंकी. हमने कहा अब हम लोगों के सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे. वी वर लाइक ये क्या हो रहा है. उस टाइम पे तो प्रिटेंड भी ऐसे करना होता था कि इट इज़ वेरी कैजुअल. अंदर से पता है ना इट्स नॉट ब्रो, इट्स नॉट एट ऑल. अभी तो कपिल शर्मा देखते थे सैटरडे संडे, अभी क्या हो गया, हमारे सामने कपिल शर्मा सर बैठे हैं. तो उन्होंने बोला कि चिंकी पिंकी तुम्हारा ये नाम रखेंगे शो में. हमने कहा सर हमारे बचपन के नाम चिंकी मिंकी है. उन्होंने रैंडमली चिंकी पिंकी बोला, आउट क्योंकि उनको नाम इतना पसंद था. कहते मुझे इतना नाम पसंद है मेरे को, मैंने सोचा था कैरेक्टर आ रहे हैं दो शो में, नाम ही चिंकी पिंकी रखेंगे. हमने कहा पिंकी की जगह मिंकी कर दो बस. तो उन्होंने बोला चलो चिंकी मिंकी. बचपन से मम्मा ने हमारा नाम चिंकी मिंकी रखे एंड वही नाम हमारा शो में आया एंड शो से इतना बड़ा हो गया. शो के बाद भी हमारी स्ट्रगल थी, ऐसा नहीं है कि शो रिलीज हो गया है सब कुछ है, फेम बट नो मनी. तो ऐसा था. फिर वो पैसा कहाँ से आए, कैसा कमाए, वो कर करके आज हम यहाँ बैठे हैं. और हम लोग इसी रास्ते से नीचे जा रहे थे और हमारे फ्रेंड ने बोला था कि ये पता तुम्हें ये वाली बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का नाम ओमकार है और यहाँ पे ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, यहाँ ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, इधर ना कार्ड से ऐसे बिल्डिंग से ऊपर जाते हैं, ऐसे कोई रैंडमली घुस नहीं सकता. हम लिटरली ऑटो में ऐसे बैठे और हम ये बोल रहे थे पता नहीं यार यहाँ आ भी पाएंगे कि नहीं. और हम नीचे देख क्या बोलते हैं यहाँ खड़े कि हमने कर लिया इतना. और जेन्युइनली अभी इस बिल्डिंग का ना मतलब पहला दिन बॉम्बे में ये बिल्डिंग देखी और ये सोचा कि यहीं लेना है, जो लेंगे यहीं लेंगे. और यहाँ पे जब आ भी गए थे ना देन देवर अबाउट, मतलब उन्होंने बोला कि आपको बहुत रेगुलर आना पड़ेगा यहाँ पे कपिल शर्मा शो, उन सब ने बोला. उस वजह से हमने अपनी मम्मी की ज्वेलरी गिरवी रखवाई ताकि हम यहाँ पे अपनी फ्लाइट टिकट एटलीस्ट कुछ तो हम यहाँ रहना खाना पीना कर पाए. इतना भी अमाउंट नहीं था हमारे पास, हम दिन में सिर्फ 2 वड़ा पाव खाते थे. तभी मैंने बोला वो स्ट्रीट फूड हमें बहुत पसंद है, वही खाते थे बस. हमने 3 महीना सिर्फ
वड़ा पाव खाए और आज हमें वड़ा पाव खाने का मन भी नहीं करता बट कोई नहीं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर लाइफ. सबको लगता है कि हम टिकटॉक से चले हैं, तब तक हम टिकटॉक पे थे ही नहीं. जब तक ये दुनिया आगे बढ़ गई थी हम दोनों के पास आईफोन भी नहीं था. हम दोनों एक ही फ़ोन शेयर करते, वो भी छोटा सा नोकिया का डब्बा फ़ोन होता है ना. कॉलेज में ले जाने में इतनी शर्म आती थी बिकॉज मेरे कॉलेज फ्रेंड्स दे वर सुपर रिच एंड आई वॉज नो वेयर. मेरे को ऐसा लगता था मैं इनके आगे क्या ही बात करूँ, मैं तो स्टैंड ही नहीं करती हूँ यहाँ पे. वो लोग इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते थे, मुझे मेरा शेयर बोलते थे तेरा इतना शेयर आया, मैं वहाँ पे सिर्फ पानी पीती थी ये सोच के कि मैं मेरे को पैसे ना देने पड़े. और फिर भी वो लोग ऐसे ऐसे पैसे मांगते थे कि बैठी तो है ना तू. एक बार मैंने इसको फ़ोन करके बोला कि यार मेरे पास ना पैसे नहीं है, मेरी बहुत इंसल्ट हो रही है, प्लीज़ आ जाओ मुझे बचाने के लिए, तेरे पास कुछ भी है दे दे. मैंने कुछ 500-600 रुपये, तो फिर मैं इसका शेयर देने के लिए लाजपत नगर से मालवीय नगर गई और फिर मैंने इसको शेयर दिया था. एक घंटे का रास्ता. वैसा वैसे वो दिन में अंदर से ना ऐसा होता ना कि आपकी पास बेइज्जती होने ही वाली है. समवन इज अबाउट टू से कि तेरे पास तो कभी पैसे नहीं होता. एक जना ने मुझे बोल भी दिया था तो मेरे अंदर मैं तो आई गॉट चोक. मेरे को समझ ही नहीं आया मैं बोलूँ क्या. बेचारी पानी पीती थी फिर भी पैसे मांगते थे. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत गलत करते थे आप. ऐसा नहीं होता है, जिसने जो खाया पिया उसका हिसाब करो ना आप लोग. हाँ भाई, और आपको कैसे पड़ी थी इतनी बड़ी जगह महंगी जगह जाने की. मेरे को क्या पता था किससे पूछ के पिक्चर. मैं यहाँ पर लाजपत नगर के मोमोज सिर्फ काम चला रही हूँ और ये पिक्चर जा रही है. क्यों जाना भाई? क्योंकि मेरे को लगा कि मैं एटलीस्ट खा नहीं रही तो मैं देख तो लूँ कि होता क्या है. तो मेरे को बस जाके देखना था कि भाई ऐसी कौन सी वैसे क्या पिज्जा मिल रहा है जो इतनी महंगी जगह है. वो देखने देखने के पैसे लग गए मेरे, एंट्री टिकट लग गई ब्रो. ये हमारी स्टोरी है और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और आज वो ज्वेलरी, हमने ये सोचा था कि हम इतना कमाएंगे कि मम्मी की वो ज्वेलरी आ जाए. वो ज़्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं था बट आई थिंक हमने एक साल में वो ज्वेलरी मम्मा की वापस मम्मा को दी एंड शी वॉज ऑल टीयरी आईज. मम्मा बहुत रोई उस दिन कि तुम लोगों ने इतना कर लिया. और हमने मम्मा को आज तक नहीं बताया 3 महीने में कि हम वो वड़ा पाव खा के जिंदगी चलाई. हमने, हमने बोला सब अच्छा है मम्मा, हमें तो यहाँ से कॉल आ रहे, ऑडिशन दे रहे, कुछ सब नहीं करते थे. हम डिप्रेस होके बस ऐसे लेटे रहते थे 4-4 बजे तक रात को. एक 1 RK के फ्लैट में मरोल में बस पड़े रहते थे कि एक बार हमें कॉल आ जाए, एक बार हमें कॉल आ जाए, हमें फिर से बुला लें शो में, फिर से बुला लें. बट वो कभी हुआ नहीं, वो कभी भी नहीं हुआ. अगर आप कहो तो छोड़ो. मैं उस बारे में, हम दोनों को इतना डिप्रेसिंग मोमेंट था हमारी लाइफ का कि हम दोनों उस बारे में बात करना भी प्रेफर नहीं करते. आपस में डिस्कस कर लेते हैं, यू शुड ऑलवेज नो योर रूट्स. तो हम बस वो चीज़ें तभी याद करते हैं जब हमें लगता है कि यार हम वहाँ से यहाँ तक आए, आज भी हमारी जो पैर हैं वो ज़मीन पर ही होने चाहिए और आज तक वहीं पर. बस नो डाउट हम 30th floor पे हैं, थोड़ा हवा में आ गए हैं बट नहीं, हमारे दिल और हमारी सोल जो है दैट इज डाउन. इनफैक्ट रात को बोल रहे थे कि यार मेरे को ना फोटो लेने का मन नहीं करता कि मैं अपने घर की फोटो ले लूँ अपने घर की. तो ऐसा लगता ही नहीं कि हमारा है कि मैंने इसको पता क्या बोला, मैंने कहा ऐसा लगता है कि कुछ दिन ही तो रहना है यहाँ पे, अपना घर थोड़ी है. क्योंकि अभी तक हम दोनों विश्वास ही नहीं हो रहा, बिलीव ही नहीं हो रहा कि हम गाड़ी भी ले लिए, हम घर पे भी है, हम फोटो ही नहीं ले पाते, मेरे हाथ कांपते कि हम किसी और के घर में आके रह रहे. कुछ दिन की कहानी तो हम घर को रखते भी ऐसे हैं कि वो ये अपना थोड़ना, पता नहीं हाँ ऐसे क्यों होता है मुझे समझ नहीं आता. क्योंकि अंदर तक ना हमारी अभी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए हम कि ये हो गया है और हम फोटो भी नहीं ले सकते. बस मैं आती हूँ खुश होके आराम से सुकून में सो जाती हूँ. इफ यू गाइज नो, आप लोग हमें फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे तो आपने देखा होगा हमने घर की एक भी फोटो स्टोरी कुछ नहीं डाली, सिर्फ पूजा करते हुए डाली. हमारी हिम्मत ही नहीं होती कुछ पोस्ट करने की. लोग बोलते हैं तुम अपना घर नहीं दिखाते, एक ये भी चीज़ें नजर लग जाती है. बट दूसरी चीज़ ये भी है कि हमें ही नहीं लगता कि हम डिजर्व करते हैं तो भगवान ने दिया सब कुछ ऊपर वाले का. हम तो बस यही मानते हैं, बस इतना हो गया कि भगवान ने अगर दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया है. पंजाबी में ये चीज़ बोलते हैं. जेन्युइनली भगवान जी ने जेन्युइनली हम दोनों को इतना कुछ दे दिया जो हमने अपने 20 सालों में जो स्ट्रगल करी और हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नहीं ऐसा कुछ होगा कभी. हम अगर ऑटो में भी जाते थे तो यही देखते थे अरे BMW जा रही है, अरे ये गाड़ी जा रही है. तो लगता नहीं था कभी भी कि ये गाड़ी में हम बैठ भी पाएंगे, ये घर में हम इतने बड़े बड़े बिल्डिंग में इतने बड़े पर्दे भी होंगे, लाइट्स भी हम इतने अफोर्ड कर पाएंगे, हम बिजली का बिल भी दे पाएंगे. तो यहाँ बैठे हैं हम ये सब सोचते हैं, वो सोच सोच में ही सो जाते हैं बस. यही हमारा सुकून है. हमने कर लिया, अभी हमें खुद ही विश्वास नहीं हो रहा. मुझे नहीं पता अभी कब तक विश्वास होगा, शायद हमें 5 साल भी लग जाए, शायद हमें कभी विश्वास ही ना हो और हम ऐसे ही चले जाए. बट ठीक है, हमने अभी कर लिया. लास्ट सेगमेंट खेल रहे थे, आपने फर्स्ट की बहुत बात की है कि पहला
फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल पर एक छोटा सा जस्ट टू ब्रेक द आइस आपके इमोशनल हो गए थोड़ा फन सेगमेंट खेल लेते द लास्ट ओके द लास्ट व्हिच यू डिड द लास्ट पर्सन यू स्टॉक्ड लास्ट पर्सन आई स्टॉक्ड आई स्टॉक्ड क्या किसको करा है ओरी मैं भी यही बोलने वाली थी मैंने ब्लॉक किया नहीं है मैं भी बहुत ब्लॉक हुई हूँ पता नहीं ऐसे काम नहीं करते लोग क्यों ब्लॉक करते हैं प्लीज अनब्लॉक द लास्ट फूड आइटम यू ate वी जस्ट ate आलू मटर रागी की रोटी और भिंडी हाँ भिंडी एंड पिकल द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन डिनर एंड किसके साथ गए संडे डे बिफोर यस्टरडे हाँ दिस संडे ओनली विद मम्मा एंड बोथ ऑफ अस तो मम्मा कहती आज क्या हो गया मैंने कहा आपने तो बोला था हर संडे डिनर पे मम्मा बोलते हैं क्या क्या कहाँ जा कहीं जा रहे हो तुम दोनों किस चीज़ की परमिशन चाहिए क्या करना है तुमने कहा नहीं भाई आपको घुमाने लेके आए हैं हमें डिनर करना है तो मम्मा लास्ट टाइम यू गाइस क्राइड अभी थोड़ा बहुत इमोशनल हो गई थी मैं बट सत्संग पे क्राइड अ लॉट अभी हमारा गुरुजी का सत्संग था 7 जुलाई को उनके बर्थडे वाले दिन ही तो मैं बहुत रोई हूँ मतलब ऐसा था कि मैंने सब रिलीज कर दिया कि हो गया अभी फाइनली फ्रेश माइंड से अब काम कर रहे हैं फुल डेडिकेशन से अभी लगे हुए हैं बस अभी काम करना क्योंकि अब सुकून मिल गया है तो अब सुकून और भी चाहिए लाइफ में ऐसा थोड़ी अभी अभी तो पिक्चर शुरू ही है लास्ट टाइम यू शॉप्ड अभी बताओ ये इसने मुझे इतना डांटा है 600 रुपए की चीज के लिए इसने बोला पैसे वेस्ट कर रही है करते पैसा नहीं आप 600 लो 6000 का लो कुछ भी लो लेकिन लेना क्यों है आप अगर पैसे से खर्च रहे हो तो ढंग की चीज पे खर्चो इंस्टाग्राम पे रैंडम वीडियो देख ली कि डिटाइम से आया तो उन्होंने दिखाया वो वाइट हो गए हाथ मैडम जी ने 600 रुपए का मंगा लिया अरे 6 रुपए की चीज भी मैटर करती है भाई आप 600 रुपए की चीज मंगा रहे हो अभी यहाँ यूज करके कह रही इससे तो कुछ नहीं हो रहा तो क्यों होगा कैसे होगा और क्यों लेना है आपको यार 10 मिनट तक हाथ ऐसे करके रखी रही मैं कि अभी कुछ होगा आई वॉश इट फिर उसमें लेके तो वॉश विद ल्यूकवॉर्म वाटर मैंने कहा मैंने ठंडे पानी से धोया ना शायद इसलिए रिजल्ट नहीं आया मैंने ल्यूकवॉर्म वाटर से भी धोया फिर भी कहते कुछ नहीं हो रहा अब वो प्रोडक्ट पड़ा हुआ वहाँ पर क्यों लेनी है ऐसी चीजें खर्चा फालतू का यही शॉपिंग करी इसने 600 रुपए की उससे चीपेस्ट भी लिया है मैंने अभी चोरी करते हो नहीं ये टर्की से वी गॉट दिस ब्रेसलेट्स और दीज आर ओनली फॉर 100 रुपीज राइट नाउ गाइस Smart move. The last hug. Hug. नहीं हग तो अभी मम्मी को करी थी सुबह इन द मॉर्निंग एंड किस भी मम्मा को ही करी मम्मा को घर से निकलते टाइम किस करते हैं फिर घर आके किस करते हैं और सुबह उठ के किस करते हैं एंड लास्टली द लास्ट डेस्टिनेशन यू ट्रैवल मालदीव्स यस मालदीव्स डेस्टिनेशन मंथ थैंक यू